जो सहूलत है वो असी चेक कर जा रहे हैं, जिहड़ा कोई पेंडिंग सीगियां कंप्लेंट्स उन्हां बारे डिस्कस की वह तकरीबन हो चुकी है। तो वह जिहड़े भी जिहड़े स्कूल है जिथे मिड डे मील की कमी है वह देखांगे, जिथे आंगनवाड़ी की है राशन डिपू है वो चेक कर जावांगे भी सारे ठीक ठाक सब सहूलत मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। राशन डिपो चेक करने से पहले यहाँ का डाटा लिया आपने, किन डाटा है? डीएफसी साहब डाटा है? नहीं, डीएफसी साहब के पास डाटा है। हाँ। तो आप जरा धर्मकोट और बागा पुराना चेक करिएगा, फ्री राशन वाला बटा है नहीं बटा है? आप देखते रहना, सर ये ब्लैक कमीशन आया इसी काम के लिए है, यही काम चलता रहेगा। आज से शुरू हो रहा, पीछे से शुरू हुआ है, आज भी जा रहे हैं, आगे चलते रहेंगे इस काम के लिए। चलिए आपको धीरे धीरे मालूम होता जाएगा। यही पूछूंगा कि बागा पुराना और धर्मकोट दो जगह टोटल फ्री वाला ब्लैक हुआ है, मैं अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रूफ है, आज कोई प्रूफ है आप दीजिए उस पर, आज आपके ऊपर एक्शन होगा। मैं तो आज इंस्पेक्टर के पास सबूत से ही छापूंगा। हाँ। मैं आपको, मैं को पार्टी बनूं, मैं क्यों दूं आपको? आपके पास तो पूरा सिस्टम है, आपको मालूम है इस जगह पे ये घपला हुआ है तो आप बताइए ना, उसके लिए एक्शन होगा। डीएफसी साहब खड़े हैं, अभी एक्शन करेंगे, इसीलिए खड़ेंगे ना, अगर इनको मालूम नहीं है तो कैसे हो पाएगा? आप बताइए इस जगह पे ये घपला हुआ है, हमारे पास तो अपना सिस्टम नहीं है, जितना सरकारी सिस्टम है इतना है, उनको क्यों नहीं पता चलता है? अपने जो भी उसका काम है वो टाइम टाइम पे करती रहती है, आपने जो बुलाया उसके लिए डीएफसी साहब है, उसकी इंक्वायरी करेंगे। आप बताइए किस जगह पे घपला हुआ है, ये कितनी बार पर्टिकुलर उस जगह पे जाएंगे? कितनी बार यार गैस सिलेंडर पकड़े गए हैं, दो दो ढाई ढाई किलो कम पकड़े, हर बार माफ कर दिया गया, ये गैंग काम कर रहा है पूरा इसमें। नहीं, मांग, मांग, नहीं, लेकिन आप देखो ये गैंग है या कुछ है, ये डीएफसी साहब है, कोई ना कोई एक्शन लेते होंगे, वो आपको उसके बारे में भी बता देंगे जो एक्शन हुआ। आज तक नहीं हुआ, चलो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए आप देखिए आगे आगे क्या होता है। सर कंप्लेंट जड़िया है किसी का, किसी राशन नहीं मिल रहा या किसी का कोई कार्ड नहीं बनया, कमीशन को ले कंप्लेंट आती है वैबसाइट पर, अगर डी जी आर ओ साहब फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ए डी सी साहब नूं बुला के हेयरिंग करके सारा वह रिजल्ट कट के जी कमी है उन्हों पूरा करा के वह काम पूरा किया जाता है। जे उस कोई कमी रहती है दस दिता जाता, कमी पूरी करते तेरा काम। कई जगह स्कूलों के मिड मिड स्टाफ जो है उन्हें भी कमी नजर आ जा रहे हैं, उत्तर हम देख रहे हैं
सारे पहलियां सरकार वांगू ही होएगा कि या हुण थोड़ा डिफरेंस कार्रवाई भी होएगी। तुसी सरकार दे देख नहीं रहे की कार्रवाई चल रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਸ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। जे वो देखो सीजन का फर्स्ट तो शुरू हो जाना, जिमें जिमें कणक आई जाएगी साड़ी तैयारी है, अस तो एक तरीक तो मोदी जी तैयार है। सर जी आप गल करिए अदानी की, तो इस बार अदानी के अदानी के देखो अदानी भी चलेगा, अदानी के भी है सफिशियंट स्पेस अराउंड 1,00,000 MT की हैगी, असं उ भी स्टोर करवा। शेयर जरूर करना जी, कृपा करके साडे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो जी, धन्यवाद।